Tom? Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Have a seat, Girish. Thank you, sir. Girish, you are from Bilaspur. You have done your BTEC from NIT Hamirpur. Yes, sir. And your subject was electrical and electronics engineering. Yes, sir. And your hobbies include stock market. Yes, sir. And also watching science and technology videos and documentaries. Yes, sir. Okay. So, Girish, first of all, tell me, what is National Asset Monetization Pipeline? Sir, National Asset Monetization mein, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एसेट्स हैं लाइक पीएसयूज, एक्सेस ऑफ लैंड, इसको सर लाइक रेंट किया जाता है, उनको सेल नहीं किया जाता है ताकि उनसे हम उनकी मॉनेटरी वैल्यू को डिराइव कर सकें. तो कितना आपको लगता है कि टोटल नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से कितना पैसा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलने की संभावना है? सर एज आई कैन रिमेंबर सर 95,000 करोड़ वॉज द टारगेट इन द बजट फॉर द नेशनल एसेट मॉनिटाइजेशन. यस सर. ओके, इट्स मच मोर देन दैट. एनीवे, यू कैन गो एंड रीड अबाउट इट. थैंक यू. प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयूज, डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया? बिकॉज पीएसयूज हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन नेशन बिल्डिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो डू यू थिंक प्राइवेटाइजिंग द पीएसयूज इज रियली गुड आइडिया? यस सर. द पीएसयूज ने सर जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत काम किया, जैसे कि रूरल एरियाज में सेटअप की गई, ऐसे एरियाज में सेटअप की गई जहां प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता था. उस टाइम सर हमारा प्राइवेट सेक्टर इतना ग्रो नहीं था, बट सर रिसेंटली कुछ पीएसयूज जो अंडर परफॉर्मिंग है, जहां सर प्रॉपरली उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो सर उन पीएसयूज को प्राइवेटाइज करना सर गुड आइडिया है ताकि गवर्नमेंट अपना सर फिजिकल डेफिसिट को सर कम कर सके. सर रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में 8 सेक्टर्स को जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया था. कुछ बता सकते हैं कौन से सेक्टर्स थे ये? एनी आइडिया, एक आध का याद हो तो? सर दे हैव क्लब्ड मेनली द 8 सेक्टर्स सर, बट नॉट एबल टू रिकॉल. मेनली सर रेलवेज एंड द पावर सेक्टर. रेलवेज नहीं, पावर सेक्टर. कोल है, माइंस है, मिनरल्स है, एटॉमिक एनर्जी है, डिफेंस. सॉरी सर. ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन रीड अबाउट इट. थैंक यू सर. व्हाट आर द लेसंस दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द फार्म लॉज? क्या लेसंस हम ड्रॉ कर सकते हैं जो फार्म लॉज पहले लागू किए गए फिर उनको रिपील किया गया, इससे क्या लेसन मिलता है? फर्स्टली सर गवर्नमेंट को सर ये लेसन मिलता है कि अगर किसी भी लॉ को प्रॉपरली हम लाना चाहते हैं तो उसमें प्रॉपर एक रिसर्च की जाए, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सर उनकी ओपिनियन को प्रॉपरली लिया जाए, तो उसके बाद लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए. सेकंड सर ये देखा गया है इन लॉज की वजह से कि अभी जो फार्मर्स हैं हमारे उनकी इनकम्स उस लेवल पे नहीं आई है, दे आर मोर कंफर्टेबल फॉर द प्राइवेट सेक्टर सर, कि दे आर मोर ओपन टू कि वो वहाँ से कम्पीट कर सकें, कि डायरेक्टली मतलब दे हैव डोंट हैव मच कॉन्फिडेंस अबाउट प्राइवेट सेक्टर सर. इस वजह से सर ये तो ये कौन सा स्टेप था गुड गवर्नेंस का जो कि लागू नहीं किया गया जिसकी वजह से इतना एजिटेशन हुआ? गुड गवर्नेंस का नाम सुना होगा? हाँ जी. उसके 8 इंग्रेडिएंट्स होते हैं. यस सर. उसका एक इंग्रेडिएंट ऐसा था जो कि इस पब्लिक पॉलिसी को लागू करते समय ध्यान में नहीं रखा गया, वो क्या सर? एज पर द गुड गवर्नेंस सर पार्टिसिपेटरी एंड द कंसेंसस ओरिएंटेड एस्पेक्ट सर. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द लेटेस्ट सेमीकंडक्टर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सर एज पर द सेमीकंडक्टर पॉलिसी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इन द सेमीकंडक्टर सेक्टर हैज बीन अप्रूव्ड. सर द अमाउंट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हाउ मच अमाउंट टू बी गिवन, बट इट एम्स टू इंडिजिनाइज द प्रोडक्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया सर. ओके, नाउ देयर हैज बीन अटेम्प्ट रिसेंटली to change the names of the towns and the streets. Yes. Allahabad becomes Prayagraj. Yes, sir. बहुत सी streets change हो जाते हैं उनके नाम. Do you think it's a good idea? Sir, ancient names किसी place को देना sir एक अच्छी बात है ताकि उसकी ancient जो culture है sir preserve रखा जा सके. But sir इसकी जगह सर दो नेम किए जा सकते हैं, जैसे इंडिया एज अ भारत हम बोलते हैं सर, इस तरह से सर दो नेम्स किए जा सकते हैं क्योंकि एक
इससे ये भी एक गलत इंप्रेशन जाता है कि हम पुराने कल्चर को सुपरसीड करना चाहते हैं सर अलग नेम से, तो सर दो नेम्स किए जा सकते हैं सर, जैसे इंडिया का नाम भारत है सर, इस तरह आपने इलेक्ट्रॉनिक से किया है तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला था? सर अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इस्तेमाल जो है कहाँ पर होता है आजकल, जो डे टू डे यूसेज में आ रहा है और सर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सर, वो तो है फोटोवोल्टिक सेल सर, ठीक है, तो सोलर पैनल जो है जो कहाँ पर लगाए जा रहे हैं जिसकी आवश्यकता है, कहाँ ज्यादा सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं सोलर पैनल्स का सर? सर आई मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा, प्लांट्स के अंदर सोलर पैनल को कंपल्सरी कर दिया गया है अधिकांश टाउन्स के अंदर, क्यों किया गया है? सर ग्रीन बिल्डिंग्स कोड के तहत सर, ताकि बिल्डिंग्स की एफिशिएंसी बढ़ सके सर, पावर कंजम्पशन रिड्यूस हो सके सर, इसलिए सर। ओके, सो टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली। नाउ द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज गेटिंग वीकेंड नाउ, यू सी द स्ट्रेंथ ऑफ यूनाइटेड नेशन इज गेटिंग वीकेंड, रशिया यूक्रेन वॉर को यूनाइटेड नेशन नहीं रोक पाया, डू यू थिंक दैट सम काइंड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूशन इज नेसेसरी नाउ? बिल्कुल सर, क्योंकि सर जो अभी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल सर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये सर बहुत ही बड़ा अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है सर, इसके अंदर जो वीटो पावर है सर, तो सर इसमें इसको डेमोक्रेटाइज करने की आवश्यकता है, ताकि जो भी डिसीजन लिए जाएं वो डेमोक्रेटिक वे में लिए जाएं सर, और जो अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर है सर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसमें सर यूरोप हमारा ओवर रिप्रेजेंटेड है, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका का सर कोई भी मेंबर नहीं है, और सर इंडिया और जैसे एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जापान इंडिया जर्मनी सर, इनको कोई भी इसमें सर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इवन सर जो हमारी यूनाइटेड जनरल असेंबली है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है सर, वो इसके डिसीजन को भी सुपरसीड नहीं कर सकती, वो सर एक तरह से बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है। बता सकते हैं कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर क्यों वॉर किया, वजह क्या थी? सर रशिया के सर अटैक करने का पहला रीजन तो सर जो पुतिन मिस्टर पुतिन की वजह जो ने जो दिया वो ये था कि नेटो वाज एक्सपेंडिंग टू द बॉर्डर्स ऑफ रशिया, दिस वाज द उनके अगेंस्ट सर वो गलत मतलब अटैक कर रहे थे उनको, एक तरह से उनकी फ्रीडम को सप्रेस कर रहे थे, और थर्ड रीजन सर जो ब्लैक सी रीजन है, रशिया के पास सर पोर्ट्स नहीं है विंटर में सर, उनके पास पोर्ट्स नहीं होते हैं, तो इकोनॉमिक रीजन ये भी था सर ब्लैक सी को डोमिनेट करना सर। तो जब ये वॉर खत्म हो जाएगा इसके क्या डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, कौन सी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट होने वाली है? रशिया एंड यूक्रेन बोथ आर गोइंग टू सफर सर, इकोनॉमिकली बहुत डिजास्टर है सर, क्योंकि कोई विच पॉपुलेशन इज गोइंग टू सफर द मोस्ट? सर द यंग एज पॉपुलेशन सर, एज ग्रुप वाइज सर। यस सर, व्हाट अबाउट द सीनियर सिटीजंस, द चिल्ड्रन? चिल्ड्रन एंड द यंग एज सर, क्योंकि सीनियर सिटीजंस सर मोस्ट ऑफ द लाइफ दे हैव स्पेंड, बट सर जो यंग एज पॉपुलेशन है जो आफ्टर वॉर के बाद जो सर रिकवरी करनी होगी लिए, उनके लिए उनको डेब उठाना पड़ेगा रशिया और यूक्रेन दोनों को ही, तो सर उनको पे करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो आगे आने वाली पॉपुलेशन है, तो सर उनको इकोनॉमिकली बहुत ही नुकसान होने वाला है सर जो यंग पॉपुलेशन है। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट आर द 5 or 6 विजिबल इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज दैट यू कैन नोटिस इन दिस वर्ल्ड? सर हीट वेव्स एंड टेम्परेचर राइज सर, एंड व्हाट अदर इज द डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स सर, एग्रीकल्चर एंड मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर सर, एनी अदर्स? राइट नाउ आई रिकॉल ओनली दिस सर। ओके, थैंक यू सर। ओके गिरीश, यू आर हिंदी में कंफर्टेबल हैं ना सर? आप सर अच्छा ओके गिरीश, आप इंजीनियर हैं जी सर, तो आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं?
क्या अट्रैक्टिव उसमें आपको लगता है? सर सिविल सर्विसेज सर एक बहुत ही अच्छा मौका देती है सर कि हम बहुत ही डाइवर्स फील्ड में काम कर सकें। तो सर मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मैं बहुत एक काम में थोड़ा जल्दी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है तो मैं डाइवर्स फील्ड्स में काम कर सकता हूँ। तो इस वजह से सर मैंने सिविल सर्विसेज में आने का डिसीजन लिया सर। ओके आपने कॉप 26 का नाम सुना है? जी सर। कहाँ पे हुआ था और इसके अपने माननीय प्रधानमंत्री ने वहाँ पे पंचामृत के बारे में कुछ बात की, थोड़ा बताएं इसके बारे में। जी सर COP26 सर ग्लासगो में हुआ था सर, ब्रिटेन में सर। और सर इसमें प्रधानमंत्री जी ने पांच अमृत के बारे में कहा था कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए पांच अमृत। तो सर इसमें था कि इंडिया को 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी ऐड करना है, 50% ऑफ द एनर्जी कंजम्पशन सर रिन्यूएबल से करना है, और सर 2070 तक सर इंडिया को कार्बन न्यूट्रल होना है सर, और सर कार्बन जो सर हमारा फुटप्रिंट है सर उसको भी कम करने की बात की गई थी सर। एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, आई थिंक सर 40%। हम लोगों के एनर्जी का मेन स्रोत क्या है? सर कोल। कोल है तो क्या आपको लगता है कि 2070 तक हम लोग कोल को टोटल खत्म करके और नेट जीरो इमिशन लेवल को टच कर पाएंगे? और अगर करेंगे तो उसके लिए क्या रास्ते हो सकते हैं और हम लोग क्या अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को ज्यादा हम लोग को जो है तैयार करना चाहिए? जी सर सर 2070 तक सर कोल को फेज आउट करना सर प्रैक्टिकली पॉसिबल है सर। जिस तरह से सर अभी गवर्नमेंट सर प्रॉपरली सर इसमें नेशनल सोलर मिशन सर जो हमारे टारगेट्स हैं सर सोलर में हम बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं सर। ग्रीन हाइड्रोजन सर एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है और सर बायोफ्यूल्स सर हैं, तो इनको सर अगर हम अपनाते हैं तो सर ऑब्वियसली हम 2070 तक सर कोल को फेज आउट कर सकते हैं। अपने ग्रीन हाइड्रोजन की बात की सर, तो थोड़ा बताएं ग्रीन हाइड्रोजन कैसे तैयार होता है? सर ग्रीन हाइड्रोजन जब सर हम एक ग्रीन एनर्जी के सोर्स को यूज करके सर वाटर को स्प्लिट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से, तो सर जो उससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसको सर ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। अच्छा ब्लू हाइड्रोजन भी होता है? जी सर। वो क्या होता है? सर ब्लू हाइड्रोजन में सर हम जब किसी भी तरह के एनर्जी का सोर्स सर, वो ये जरूरी नहीं है कि हम ग्रीन सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स का यूज करें, उसको जब हम वाटर को स्प्लिट करेंगे तो हाइड्रोजन बनाएंगे, बट उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो भी कार्बन एमिशन होगा उसको हम कैप्चर कर लेते हैं, तो सर उसको ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। ग्रे हाइड्रोजन भी होता है? ग्रे हाइड्रोजन सर इसी प्रोसेस में जब हम उस कार्बन एमिशन को कैप्चर नहीं करेंगे तो ग्रे हाइड्रोजन कहा जाएगा सर। पिंक हाइड्रोजन भी होता है? सॉरी सर पिंक हाइड्रोजन नहीं, मैं आपका नॉलेज के लिए बता दूं न्यूक्लियर जो हिमाचल प्रदेश बहुत ही फॉरेस्टेड इलाका, कितने परसेंट फॉरेस्ट है यहाँ पे? सर प्रेजेंटली सर 27% ऑफ एरिया इज अंडर द फॉरेस्ट कवर सर। और हमारे भारत की पॉलिसी क्या है सर? ये कब तैयार की गई थी फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी? जी सर सर जितना मैं याद कर पा रहा हूँ सर उसके अकॉर्डिंग नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1990 के अकॉर्डिंग सर 30% फॉरेस्ट कवर करना था हमारा गोल। 1990 सर, नॉट श्योर सर। ओके ओके पॉलिसी का मुझे दो इंग्रेडिएंट्स बताइए मेन दो। सॉरी सर पॉलिसी का दो इंग्रेडिएंट्स, फॉरेस्ट पॉलिसी के दो मुख्य तत्व बताइए। सॉरी सर मैं एग्जैक्टली नहीं याद कर पा रहा हूँ सर फॉरेस्ट पॉलिसी के इंडिकेटर्स कि उसके मेन। अच्छा फॉरेस्ट पॉलिसी और फॉरेस्ट लॉ में क्या अंतर है, एक्ट में क्या अंतर है? सर पॉलिसी की सर जब हम प्रैक्टिकली जब उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो सर वो लॉज के में आता है सर फॉरेस्ट लॉ। एक आध उदाहरण बताइए। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट सर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट सर। ये बता पाएंगे आप? सर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2005 सर और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट सर 1920 सर। सर 20 नो प्रॉब्लम करेक्ट। ओके सर्कुलर इकोनॉमी ये सुना है आपने? जी सर। क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लीनियर इकोनॉमी? सर सर्कुलर इकोनॉमी का सर दो डेफिनेशन है, एक सर वन इज द रिसाइक्लेबल व्हेन वी यूज द कंपोनेंट्स, अदर इज द जो सर पीरियोडिक अप्स एंड डाउन्स इन द इकोनॉमी सर उसको भी सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। और दूसरा सर सर्कुलर इकोनॉमी ये होता है कि जब हम किसी कंपोनेंट को
सर उसका जैसे कोई वेस्ट जनरेट हो रहा है जैसे उसी कंटेक्स्ट में बात करना चाहता हूँ। अच्छा सर्कुलर इकोनॉमी, जब सर हम किसी भी कंपोनेंट को सर उसके उससे जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है सर उसको भी यूज करेंगे सर प्रॉपरली, उससे कोई भी एमिशन नहीं हो, इस तरह फॉरेस्ट को हानि ना हो, तो सर्कुलर इकोनॉमी का। अपने स्टील रोड का नाम सुना है? स्टील रोड सर, रोड स्टील का बना हुआ रोड भारत में कहीं हुआ? नो सर, मैंने नहीं सुना सर। अच्छा, अभी एक रोड के बनाने के बारे में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, उसके बारे में बताइए। सर इंडिया में ही रिसेंटली बना था, अभी बना, हमने कतर को बीट किया था सर, इतना मेरी नॉलेज में है, पर सर वो लोकेशन नहीं मैं बता पाऊंगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग उस तरह की फार्मिंग को कहते हैं जब हम सर नेचुरल इनपुट्स का यूज करें जो सर कॉस्ट इफेक्टिव हो और सर हमारे एनवायरनमेंट को भी कम से कम हानि पहुंचाए, तो सर उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाएगा। तो आपके हिसाब से हम लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग पे टोटल चले जाना चाहिए? अच्छी चीज है सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाना बहुत अच्छी चीज है, बट सर स्टेप वाइज मैनर में ही जाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज सर अगर हम टोटली इसको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे तो सर उसमें हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और फूड सिक्योरिटी को सर बहुत नुकसान हो सकता है। सर किसी राष्ट्र को नुकसान हुआ है? यस सर, सर श्रीलंका को रिसेंटली सर उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को टोटली इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करी थी। भारत की इथेनॉल पॉलिसी के बारे में प्रकाश डालिए। जी सर, सर इथेनॉल को सर हम नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना चाहते हैं सर 2025 तक, जो सर टारगेट रिवाइज किया गया 2030 से। तो इसमें सर पेट्रोल में हम 20% इथेनॉल ऐड करेंगे ताकि हमारी जो डिपेंडेंस ऑन द क्रूड ऑयल है सर वो कम हो सके। तो अभी प्रेजेंटली हम लोगों ने एक माइलस्टोन अचीव किया है, क्या? 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग का सर। 5 का कि 10? 10 सॉरी सर, 10, थैंक यू। ओके, और डीजल के बारे में बताइए, बायो डीजल का भी पॉलिसी जब हम बात करते हैं तो उसमें पेट्रोल भी है और डीजल भी है, उसका उसके बारे में बताएं। सर बायो डीजल सर मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ कि इसमें डीजल। अच्छा, कोई और स्टेट है जिसने कि ग्रेन से इथेनॉल बनाया बनाने का प्लांट लगा दिया है और इनॉग्रेशन भी हो गया, उद्घाटन भी हो गया उसका? सर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ओके। लास्ट क्वेश्चन, शिमला में वाटर क्राइसिस कुछ दिनों पहले हुई थी। जी सर, क्या कारण थे और कैसे उसको मिटिगेट किया गया? सर शिमला में वाटर क्राइसिस का मेन इशू तो सर अभी गर्मी की वजह से सर, एक तो सर वाटर जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो गए हैं सर, मतलब कम हुए हैं थोड़े से, और सर हैवी टूरिस्ट इनफ्लो की वजह से वाटर की सर डिमांड बढ़ गई है वहाँ पे। तो सर इसको प्रेजेंटली मिटिगेट करने के लिए तो सर अभी जो गवर्नमेंट ने वन डे ऑफ करके वाटर सप्लाई करने के लिए सर उन्होंने प्रोविजन किया है, बट सर लॉन्ग टर्म में वो सतलुज रिवर से सर वाटर लिफ्ट इरीगेशन करना चाहते हैं जिसके थ्रू सर लॉन्ग टर्म डिमांड मेट हो सके। ओके, थैंक यू। Hello, Girish. Hello. My questions are going to be centered around the leader in you. Yes. Okay? Yes, sir. Ready? Yes, sir. Okay. My first question to you is, in your form you have written, you know, apna self-assessment mein likh raha, belief in myself to deal with problems in a solution-oriented manner. Yes, sir. It's a nice sentence. Give me a situation. आपने ये लिखा है तो जरूर जरा सिचुएशन बैंक, गिव मी अ सॉल्यूशन टू क्वालिफाई द स्टेटमेंट दैट यू आर मेकिंग। सर इस 30-40 सेकंड 50 सेकंड 1 मिनट। जी सर, सर इस स्टेटमेंट को लिखने के अंदर सर मैंने एनालाइज किया था कि मैं किस तरह से सॉल्यूशन ओरिएंटेड हूँ। तो सर रिसेंटली सर जहाँ मैं सर काम करता हूँ सर वहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर हो गई थी, तो सर उसको एक्सटेंड करवाने के लिए तो सर वो मेनली सर कॉन्ट्रैक्टर का रोल था कि वो उसको एक्सटेंड कराए, बट सर उसमें पे हमें करने थे पैसे, तो सर इसीलिए सर उसमें जो हमने बार बार सर स्टेप बाय स्टेप करके सर जो उसमें काम किया और जो हमारे पैसे जो हमें प्रीमियम देना था सर उसको भी कम करवाया और एक अच्छी टर्म्स इंश्योरेंस लिया, तो उसको देख के सर मैंने लिखा था। व्हाट आर द व्हाट डू यू थिंक आर द वीकनेसेस इन यू व्हिच यू नीड टू इंप्रूव? सर फर्स्ट वीकनेस जो मुझे लगती है सर थोड़ा अंडर एस्टिमेट करता हूँ सर मैं खुद को, और सर मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ और वीकनेस सर। Think about this, huh? This is a very pertinent question, and it is going to come your way. जी सर। Surely there is a great chance. इसकी probability बहुत high है. Okay.
Do you know the difference between hobbies and interests? क्या फर्क है? He has written hobbies. He has not written interests. जी सर. What's the difference between hobbies and interests? सर मेरे अकॉर्डिंग सर हॉबी जिस काम को करने में सर हमें ये ना लगे कि हम कुछ काम कर रहे हैं सर. एक्सेप्ट वर्क सर जब हम फ्री हों तो हमें ये ना करना पड़े कि हम कुछ अलग कर रहे हैं. तो सर हॉबी मैंने इस तरह से लिखा था सर. इंटरेस्ट सर मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारे हो सकते हैं. हॉबी सर कुछ ही होती हैं जो हम रेगुलरली कर पाते हैं सर. आई जस्ट पुट इट फॉर योर नॉलेज. हाँ हॉबीज हैव गॉट अ क्रिएटिव कनोटेशन टू इट. यू नो एनीथिंग क्रिएटिव गार्डनिंग कुकिंग फोटोग्राफी पेंटिंग जिसमें तुम अपना हुनर यू नो यू आर ब्रिंगिंग इट टू द सर्फेस दैट्स अ हॉबी. ऑफकोर्स पैशन ड्रिवन है. Of course, interest also to a little bit is passion driven because otherwise you will not indulge in it. Yes, sir. So, to my mind, both of these don't qualify under that. Although, with a pinch of salt, I will say stock market investment I will let you because it is generating some money for you. Right? Okay. Yes, sir. Now, regarding stock market, can you tell me the top three indices in the US? Because US markets. The health of the US market is running is has direct impact every single day on SGX Nifty. देखते हो ना सुबह? जी सर. देखते हो ना अगर this year interest उठते ही पहली चीज देख रहा है SGX Nifty. जी. देखते हो green में red में. It's being driven by these three indices. जी सर. Top three indices of US market. जी. सर S&P 500, Dow Jones, FTSE, Russell sir. That's not among the top three. That's the fourth and the fifth. Top three, NASDAQ have you heard? Yes, sir. Technology index of the okay. Yes, NASDAQ you heard. Okay. Now, what is the index of Hong Kong called? Hang Chin, sir. I'm not. Okay. Okay. I know. You write. See, if you're writing this, जी सर. You're asking for questions to be asked to you, know? जी सर. So you have to have full knowledge. Hang Chin, sir. इस तरह का. Sorry, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ. Okay. You're mostly you are correct, but you need to be correct in your pronunciation and understand. Okay. Yes, one small little question related with this is US, does it appear headed for a recession? Do you think so? It's at the highest inflation ever. You know, in the last 40, 50, 60 post Second World War, it's the highest recession ever. Yes, is it, inflation ever. Is it headed for recession? US sir obviously is going to be in the recession sir because sir उनकी जो GDP growth है sir वो stagnant कर रही है. even sir last quarter में US का contract हुआ था sir GDP तो इस वजह से sir वो recession में जा सकते हैं sir. you think so जी sir. okay what is smart goals? have you heard of a word called smart goals? do you have goals in your life? Have you had goals in your life? Do you set goals? जी सर. See, you're going to be an administrator. जी सर. So you got to have goals. जी सर. Now, if you are setting goals, there is a phenomenon called SMART goals. SMART, SMART. जी सर. Do you know? Have you heard of this statement? Sir, SMART goals, sir. मैं exactly definition तो नहीं बता पाऊँगा. S. What does SMART stand for? SMART. That's what makes them the SMART goals. Sorry, sir. Okay. Thank you, sir. Get home and you know pick this up. You are going to be a leader, right? Okay. My last question to you is, now it's coming from my heart. See, I'm a soldier, so it's coming from my heart. Do you think caste system, as it exists in this country, and racism as it exists in the Western world? Will it ever go away? If and since you are going to be an administrator, you are going to be faced by it. What will you want to do in this regard? Sir, caste system in India, sir, rural India में sir अभी भी exist करता है. हिमाचल में sir थोड़ा dilute हो गया है. तो sir and the racism sir. सर जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं सर वहां पे रह सकता है सर अभी भी. डू यू थिंक रेसिज्म एग्जिस्ट्स इन इंडिया आल्सो? गोरी चमड़ी काली चमड़ी, डू वी डू दैट?
टू सम एक्सटेंट सर इट एग्जिस्ट इन इंडिया सर इट एग्जिस्ट इन इंडिया यस सर सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू व्हाट आर यू रादर गोइंग टू डू एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू आर गोइंग टू फेस बाय इट सॉरी जी सर कास्ट सिस्टम को सर कम करने के लिए सर जो हमारे रूरल इंडिया में है सर जो कास्ट से बिलोंगिंग पीपल हैं सर उनको एम्पावर करने की ही जरूरत है सर इकोनॉमिकली सर मेनली सर तो उसमें सर एक स्टेप गवर्नमेंट कर सकती है सर कि क्रीमी लेयर सर एससी जो हमारे कास्ट है सर जिनको दिया जाता है उसमें क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस की जा सकती है सर क्योंकि जो सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस्ड होता है सर प्रेजेंटली सर वो उन्हीं के साथ होता है जो इकोनॉमिकली वीकर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो सर वहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सर ताकि वो एम्पावर ज्यादा हो सर और रेसिज्म तो सर उसके लिए सर एजुकेशन ही एक सबसे अच्छा तरीका हो सकता है सर एजुकेशन और अवेयरनेस रेसिज्म को खत्म करने के लिए क्योंकि सर रेसिज्म सर कलर के बेस पे किसी की कैपेबिलिटीज को जज करने का एक सर बनाता है कि उसकी कैपेबिलिटीज क्या होंगी सर एजुकेशन और एम्पावरमेंट अगर अच्छी तरह से की जाए तो सर वो धीरे धीरे खत्म हो सकता है सर एक मैंने चेंज माय माइंड आई एम गोइंग टू गो टू वन लास्ट क्वेश्चन बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज माय हार्ट इज आस्किंग मी टू आस्क यू You are going to be an administrator. You write here. You are a general manager. You are a general manager. Not general manager, sir. Assistant engineer, sir. Would you? You are going to be. You are going to be an administrator. Yes, sir. Let's assume you are an STM or a post similar to that. Would you want to be a leader? Would you want to be a manager? What are the differences between the two? And why you would want to be what you choose to be and how will you do it? The difference between a manager and leader, sir. Sir, leader has both the skills, sir. Leader ke paas, sir, ek manager, management ki skills bhi honi chahiye. Aur, sir, lead karna aur motivate karna bhi, sir, leader ko hona chahiye. Manager ke paas, sir, wahi, sir, ek small extent mein, sir, ye capabilities honi chahiye, sir. सर आगे आपने सर आई सेड व्हाट वुड यू वांट टू बी अ लीडर और अ लीडर सर यू वांट टू यू वुड व्हाट इज द बिगेस्ट क्वालिटी देयरफॉर अ लीडर मस्ट हैव सर विजन विजन यस सर विजन इज नॉट अ क्वालिटी सर विजन इज अ फ्लो इट कम्स इन द फ्लो यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी है ना क्या क्वालिटी है उसकी यार द क्वालिटी व्हिच दूसरे पर लेवल तक लीडर है except sir vision I think sir it will be solution oriented approach and the decision making manager leader mein wo flow aa jata hai uske flow mein aa jata hai jo uski quality hai na wo quality mein se wo flow aa jata hai sorry sir main okay read about this sir you can later ask me if you want to know ji sir thank you sir so mr garish you belong to Bilaspur district ji sir Please tell the main problems of the Bilaspur district and its solutions. The problems of Bilaspur? Yeah, major problems. Sir, मैं थोड़ा smell ले सकता हूँ sir. Yes, sure. जी sir. Take your time. Sir, first problem will be sir जो tourism potential of Bilaspur sir अभी properly explore नहीं हो पाया है sir. And sir. The industrial the second problem will be the sir major जो population है sir अभी भी agrarian based economy में है sir industrial sir potential उतना explore नहीं हुआ है sir जी sir बिलासपुर में cement industry है जी कौन कौन सी है sir बरमाना में sir ACC का plant है sir and बिलासपुर और सोलन की boundary पे sir अल्ट्राटेक का भी plant है sir इसका मुझे बताओ कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री सर पॉजिटिव एस्पेक्ट सर सीमेंट इंडस्ट्री का सर फर्स्टली तो जॉब क्रिएशन रहेगा सर और सर रिवेन्यू भी गवर्नमेंट को मिलता है और सब्सिडाइज रेट पे सर ये जो सीमेंट प्लांट्स हैं सर गवर्नमेंट को सीमेंट सप्लाई करते हैं तो सर ये भी एक गवर्नमेंट को फायदा रहता है और सर नेगेटिव एस्पेक्ट रहेगा सर इन्वायरमेंटल चैलेंज सर क्योंकि वहाँ पे जो पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से तो लोगों को सर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आते हैं जो ये सीमेंट इंडस्ट्री के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं हाउ दीज कैन बी ओवरकम कोई एनी सॉल्यूशन
सर मेजर प्रॉब्लम तो सर यही जो इसका पॉल्यूशन है सर उसी को ओवरकम करने की। तो सर इसमें सर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं सर, जो भी जैसे जो डस्ट को कैप्चर करने की टेक्नोलॉजी है सर, इस तरह की टेक्नोलॉजीज को सर इम्प्लॉय वहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता है और उसकी प्रॉपर सर मॉनिटरिंग की जा सकती है, तो इस वजह से सर ये हो सकता है। फॉरेस्टेशन कैन बी डन? फॉरेस्टेशन सर इन द माइनिंग एरिया सर, जहाँ पे वो माइनिंग होती है और जो लेफ्ट आउट एरिया होता है सर, वहाँ पे फॉरेस्टेशन की जा सकती है सर। चलो राइट, अब मुझे बताइए कि हिमाचल में वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो स्टेट किटी के लिए मैक्सिमम रेवेन्यू अर्जित करता है? सिंगल डिपार्टमेंट सर। हाँ सिंगल डिपार्टमेंट, एनी आइडिया? सर एक्साइज डिपार्टमेंट सर, जीएसटी। जी राइट, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूट्स मोर देन 80% रेवेन्यू फॉर द स्टेट किटी। थैंक यू सर। तो जो ये एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, इसमें जो मेजर टैक्स है वो कहाँ से आता है? GST. What do you understand by GST? Sir, it's a goods and service based tax. और सर इसमें पहले सर multiple taxes होते थे सर, तो इसमें all the taxes have been combined into a single tax sir. तो सर इसमें हर stage पे जो tax सर, input tax credit का सर इसमें concept है, जिसमें सर buyer से सर जो producer है सर वहाँ तक tax flow होता है, ताकि हर stage पे tax दिया जा सके सर, और वही एक टैक्स सर क्रेडिट होके सर फ्लो होता है सर इसमें। जी सर, ये जो टैक्स है क्या ये प्रोडक्शन बेस्ड है या कंजम्पशन बेस्ड है? कंजम्पशन बेस्ड है। कंजम्पशन बेस्ड है। हिमाचल में जो कंजम्पशन बेस्ड है, हिमाचल के लिए फायदेमंद है कि नहीं है? इज इट बेनिफिशियल फॉर हिमाचल बीइंग अ कंजम्पशन बेस्ड? सर जी, जी सर। वाई? सर हिमाचल में सर लोकल पॉपुलेशन के अलावा सर टूरिस्ट जो आते हैं सर, उनके ऊपर भी सर जीएसटी वो कंजम्पशन को बढ़ाते हैं सर हिमाचल की, तो सर इस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है सर हिमाचल, क्योंकि जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन हिमाचल में इट्स लेसर एज कम्पेयर टू कंजम्पशन। जी सर। ठीक, और दूसरा कंपोनेंट क्या है इसमें? एक तो जीएसटी आ गया। हाँ जी। एक एक्साइज इज देयर। हाँ जी, हाँ जी जी सर। एक्साइज में रिसेंटली देयर वाज वन ट्रेजरी हूज ट्रेजरी। जी सर। हैव यू एनी आइडिया? यस सर। कहाँ हुई? मंडी, मंडी में हुई सर। बट वर द रीजंस सर? उन्होंने हाउ इट कैन बी ओवरकम फॉर फ्यूचर? सर मिथाइल अल्कोहल का यूज किया गया था सर, उन्होंने इलीगल लिक्वर बनाने की वजह से जो सर पॉइजनस हो गई थी, और उसकी वजह से सर डेथ्स हुई थी सर, ये थी सर ट्रेजेडी। और सर अभी रिसेंटली सर इसको ओवरकम करने के लिए सर एक्साइज डिपार्टमेंट कम विद सम ऐप विद वेयर बॉटल्स के ऊपर सर वो QR स्कैनर लगाएंगे सर, इस तरह से वो वन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट। यस सर। और यू आर टॉकिंग अबाउट मोबाइल ऐप, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल ऐप जो भी बॉटल होगी दैट कैन बी स्कैंड। जी सर। और ये देखा जाएगा कि इज इट जेन्युइन और नॉट। जी सर, थैंक यू। और ये जीएसटी बढ़ाने के लिए हिमाचल में क्या किया जा सकता है, एनी सजेशंस? सर जीएसटी के लिए तो सर अभी कंजम्पशन टूरिज्म को ही सर और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, ताकि सर कंजम्पशन बढ़ जाए। और जी एक हिमाचल गवर्नमेंट की देयर इज वन प्लान, नई राहें नई मंजिलें। जी सर। व्हाट इज इट? सर दिस इस पॉलिसी में सर ये है कि जो हमारे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज ऑफ हिमाचल हैं, जो लेस नोन एरियाज ऑफ हिमाचल विद अ टूरिज्म पोटेंशियल सर, उसको एक्सप्लोर करना है सर। प्लीज नेम सम एरियाज सर व्हिच हैव बीन एडेड इन द स्कीम। जी सर, जंजैली वैली सर, रिसेंटली सैंड सर, चांसल सर। चांसल फॉर व्हाट? चांसल फॉर सर पैराग्लाइडिंग एंड स्कीइंग सर। स्कीइंग राइट। जी सर। एंड द शिवधाम सर, शिवधाम इन द मंडी सर, ये भी ऐड किया गया है सर। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ शिवधाम ऑफ मंडी? सर इसमें ये किया गया है कि जैसे जो मोस्टली जो टूरिस्ट सर जाते हैं सर, तो मंडी सर एक ट्रांजिट पॉइंट रहता है, तो सर इसमें ट्रांजिट पॉइंट में सर उनको एक एरिया मिल जाएगा जहाँ पे वो सर कल्चरल टूरिज्म को भी सर ये प्रमोट करेगा, और इससे इकोनॉमिक वैल्यू भी सर मंडी टाउन की बढ़ेगी सर। एक्चुअली यू वर टॉकिंग अबाउट शिवधाम, जो शिवधाम है। जी सर। बट विल बी डन कि जो ये इसके 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनके जो रेप्लिका हैं दोज विल बी इंस्टॉल देयर। जी सर। और एक मेडिटेशन सेंटर है दैट विल बी डेवलप्ड। सर थैंक। एक हिमाचल में शुरू किया पंचवटी योजना। जी सर। हैव एनी आईडिया अबाउट इट? सर इसमें सर मनरेगा के फंड्स का यूज करके, और जो भी सर जो रूरल डेवलपमेंट का सर डिपार्टमेंट है सर, वो गांव में और सर पार्क्स इंस्टॉल करेंगे, जहां पे सर हर्ब जो भी सर हर्बल प्लांट्स हैं सर उनको करेंगे, और जो भी हमारे सर
वृद्ध लोग हैं सर, वो उन पार्क्स में बैठ के सर. एग्जैक्टली, फॉर ओल्डर पॉपुलेशन दिस विल बी डेवलप्ड, और इसमें गार्डन भी होंगे, पार्क भी होंगे, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज विल बी देयर, ताकि जो ओल्ड जनरेशन है एक दे विल बी गेटिंग सम साइकोलॉजिकल रिलीफ ऑल्सो, दे विल बी वॉकिंग देयर और आपस में डिस्कशन करके. अच्छा, हिमाचल में फॉरेस्ट फायर्स का आजकल काफ़ी इट्स इंक्रीजिंग. हाँ जी, वर्चुअली इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट फायर्स आर इन सजेस्ट सम वेज हाउ दिस फॉरेस्ट फायर्स कैन बी कंट्रोल्ड. तो सर, फॉरेस्ट फायर का मेजर रीज़न हिमाचल में सर जो पाइन नीडल्स होती हैं सर, वो आजकल सर गर्मी के मंथ्स में सर फॉल होती हैं और वो फायर कैच करती हैं. तो सर, इसमें फॉरेस्ट फायर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो कुछ वेज निकाल रहा है, जैसे कि जो फॉरेस्ट वॉचर्स होते हैं, फॉरेस्ट फायर वॉचर्स सर लोकल पीपल्स होते हैं, उनको सर एम्प्लॉय किया जाता है वेजिस के ऊपर, ताकि वो ध्यान रख सके. और सर दूसरा, इन फायर नीडल्स को ही सर फॉरेस्ट फ्लोर से रिमूव करने के लिए सर प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि इसमें सर टेक्नोलॉजी का सहारा लेके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सर रिसर्च कर रहा है कि ताकि फॉरेस्ट जो पाइन्स हैं सर, इनको बायोफ्यूल्स सर फाइबर्स इनसे बनाए जा सके, या फिर सर इनसे बायोमास एनर्जी का इनमें यूज किया जा सके, ताकि वो फॉरेस्ट फ्लोर सर पाइन नीडल रिमूव की जा सके और सर उस तरह से करने की सर टेक्नोलॉजी होती है सर, ताकि वो बेनिफिशियली दिस कैन बी यूज्ड. जी सर, एक अभी स्मार्ट सिटी मिशन है, हैव यू हर्ड? हाँ जी, इसकी अभी रैंकिंग हुई है रिसेंटली, एक दो दिन पहले स्मार्ट सिटीज की जो उनकी डेवलपमेंट थी, दिस हैज रैंक. तो इसमें विच सिटी हैज टॉप, एनी आइडिया? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रहा. फर्स्ट इज इंदौर, सेकंड इज सूरत, एंड थर्ड इज उदयपुर. थैंक यू. हिमाचल में है कोई स्मार्ट सिटी में, कोई सम सिटीज आते हैं हिमाचल में? ये सर शिमला एंड धर्मशाला सर. फर्स्ट कौन हुआ था? फर्स्ट शिमला, फर्स्ट धर्मशाला, सॉरी सर, आफ्टर देन शिमला. ठीक है, थैंक यू. Okay, Girish, you are working in HPPCL. What are your roles there? Sir, वहाँ पे सर construction power to the project है सर, उसको manage करने का सर मेरे को role दिया गया है. और इसके अलावा सर जो भी हमारा component material आना है सर, electromechanical equipment सर, उसके जो store हैं उनका charge दिया गया है सर, equipment को store करने और manage करने का सर. Okay, question push number honest answer चाहिए. Is there corruption in your department? सर मेरी नॉलेज में तो सर नहीं है सर. Have you ever tried to write? No sir. कभी? No sir. I can see that there are two female members in your family. Both are housewives. जी. And the same trend is in the whole Himachal, कि जो female हैं, they are generally not working. They are not in participating in the economic activities. So what do you feel that what is the you know? इसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस है कि क्या फीमेल्स को, एक तरफ हम बात करते हैं कि वुमेन पार्टिसिपेशन, राइट, वुमेन एम्पावरमेंट, एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे जो ज़्यादातर हाउस होल्ड में फीमेल्स हैं, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जी. सो फर्स्टली बिकॉज आपके घर में भी इसी तरह का माहौल है, सो आप क्या इसमें आपका क्या टेक? फर्स्टली सर, मैं अपने घर के बारे में क्लैरिफाई करना चाहूँगा. सर जो मेरे भाई की वाइफ हैं तो सर वो वर्किंग थे, बट ड्यू टू कोरोना सर उन्होंने सर डिसाइड किया कि वो रिसेंटली अपना जॉब कोरोना के जैसे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे. वो सर बैंक में काम कर रहे थे. सर अगर मैं जनरली बात करूँ तो सर जी हाँ सर, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है सर फीमेल्स का सर बहुत कम है. इसका सर मेजर रीज़न तो सर यही है कि जो राइजिंग इनकम अगर सर मेल मेंबर्स की होती है तो सर तब डिस्करेज किया जाता है सर फीमेल मेंबर्स को कि वो काम ना करें. और सर रूरल एरियाज में सर जो वुमेन है वो मेनली एग्रीकल्चर में ही काम कर पा रही हैं, जो हाई इनकम एक्टिविटीज़ हैं सर उनमें काम नहीं कर पा रही हैं. और सर वुमेन को काम ना कर पाने का सर दूसरा तीसरा फैक्टर रहेगा सर कि वो सेफ, जैसे सेफ्टी अगर उनको फील नहीं होती है, कि जैसे उनकी जॉब्स के वर्किंग आवर्स डिफाइंड नहीं है, जैसे सर नाइट शिफ्ट है, तो सर उनको डिस्करेज किया जाता है. अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, आपने देखा होगा ऑल द थ्री टॉपर्स आर फीमेल मेंबर्स, राइट? जी सर. सो इसके पीछे जो हम बात करें कि हिमाचल में इस तरह का ट्रेंड कम है कि फीमेल पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम है, सो क्या इसका कोई एरिया, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, इस तरह की डिफरेंस के कारण भी क्या ये एक फैक्टर भी है इसके बीच में? जी सर, रूरल एरिया में सर ज़्यादा वुमेन सर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में ही एम्प्लॉयड होती हैं. तो सर वो जो भी जितने भी सर्वेज होते हैं
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के सर उसमें वो काउंट नहीं की जाती है, तो इस वजह से सर रूरल एरियाज में सर कम एम्प्लॉयमेंट है सर वुमेन की। ओके सो नाउ व्हाट आर द यू नो सॉल्यूशंस फॉर दिस? सर रूरल एरियाज में अगर वुमेन को सर हम एम्प्लॉय करना है तो सर उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ही सर मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि सर उसमें वुमेन साथ में मिल के काम करती हैं, सेफ भी सिक्योर करती हैं, और सर रूरल एरियाज में हमारे बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका यूज़ करके हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर कर सकते हैं, जैसे कि जो रूरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि वो अचार, जिस तरह के अचार बना रहे हैं, या फिर लोकल जो कजिन्स हैं उनको, जैसे जो भी लोकल फेयर्स होते हैं वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको स्टॉल्स लगवा के, तो उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं लोकल प्रोडक्ट, जैसे कि शॉल बना रहे हैं वो, इस तरह के रूरल हैंडीक्राफ्ट बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं सर, उनका यूज करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से रूरल वुमेन को एम्पावर किया जा सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जी, व्हाट आर द यू नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर्मिंग अ सेल्फ हेल्प ग्रुप? उसको कोई मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स चाहिए या फीमेल्स होनी चाहिए, मेल्स होनी चाहिए, क्या उस तरह के कोई रिक्वायरमेंट्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए, या कोई भी बना सकता है जैसे हम और आप मिलकर दो लोग बना सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप? सर सर द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट इज नॉट, वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन एंड अगेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जी सर, सो बट यू नो डोंट नो दैट रिक्वायरमेंट सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी सर। ओके ओके, व्हाट इज द स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर इन बिलासपुर? सर रिसेंटली सर हिमाचल हिमाचल में तो सर ओवरऑल बहुत अच्छा स्कोप है, बट जो हमारे ट्रॉपिकल डिस्ट्रिक्ट्स हैं सर हिमाचल की, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर का स्कोप बहुत था बट वो एक्सप्लोर नहीं किया गया था। रिसेंटली जो HP गवर्नमेंट कम विद द सिवा प्रोजेक्ट सर, जिसमें हमारे जो भी ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहाँ पे लीची, अमरूद और इस तरह के जो पौधे हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज में हो सकते हैं, वहाँ पे उनको लोगों को सप्लाई किए जा रहे हैं पौधे, और उनको इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं सब्सिडाइज रेट पे, ताकि उनका हॉर्टिकल्चर पोटेंशियल एक्सप्लोर किया जा सके। यू डन योर बीटेक फ्रॉम IIT मीरपुर जी सर, तो आपको प्लेसमेंट मिली थी इसमें? सर मैं अप्लाई नहीं किया सर। अप्लाई नहीं किया, वाई? सर कॉलेज के लास्ट ईयर में मैं सर डिसाइड किया था कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूंगा, इसलिए इसलिए सर। एनी मेजर रीजन बिहाइंड दिस? सर मैंने सोचा सिविल सर्विस था बट यू हैव ज्वाइंड यू नो HPPCL जी। सर ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन सर, जब कॉलेज के बाद सर जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो सर उसके बीच में सर मैंने जॉब इसलिए ली क्योंकि सर मेरे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सके, और सर मेरे को कभी इनसिक्योरिटी ना हो कि अगर ये एग्जाम मेरा क्लियर नहीं होता तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि सर इसमें कंपटीशन बहुत हाई है, इस वजह से सर मैंने जॉब ली, क्योंकि मेरी कोर फील्ड की जॉब थी तो सर मेरे को इसमें ज़्यादा सर इशू भी नहीं था सर जॉब करने में, इसलिए सर मैंने ज्वाइन किया सर HPPCL। ओके गिरीश, माय लास्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड बी सिलेक्टेड? सर मुझे खुद पे विश्वास है कि मैं इस जॉब को ज्वाइन करके सर अपना पोटेंशियल जो सर मेरे अंदर है उसको मैं इस जॉब में सर बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊंगा, और एक बहुत ही अच्छी जॉब सेटिस्फेक्शन होगी जिसकी वजह से मैं अपना पूरा पोटेंशियल सर इसमें यूज कर पाऊंगा, इसलिए सर। ओके थैंक यू।